ये है मुखर्जी नगर का बत्रा सिनेमा। इसे बत्रा सिनेमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, लेकिन अब इसमें जो कोचिंग है वो खुल चुके हैं बहुत ज़्यादा, और इसमें अब कोचिंग चलती है। सिनेमा जो बंद हो चुका है, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इसे अच्छी तरीके से जानते होंगे। उसके बाद में आप इसके चारों तरफ देख सकते हैं, ये आपको एरिया पूरा का पूरा खाली नज़र आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे स्टूडेंट रहते थे लॉकडाउन से पहले, तो ये एरिया आपको बिल्कुल भी यहाँ पे खाली ऐसे इस तरीके से दिखाई नहीं देता था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं चारों गलियाँ, जितनी भी यहाँ पे गलियाँ हैं वो सारी की सारी एकदम खाली हैं चारों तरफ। आप देख सकते हैं स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जा चुके हैं, बहुत कम ही यहाँ पे स्टूडेंट बचे हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कोचिंग देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी खाली है। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है वो कोचिंग एरिया है। उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल जो है खाली हो चुका है यहाँ पे, ऐसी बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल खाली। ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे जितने भी दुकान से हैं वो सारी की सारी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। और आपको वीडियो पूरा देखना है और मोटिवेशनल किंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपको मुखर्जी नगर से रिलेटेड जितनी भी जो खबर है वो आपको दिखाएंगे, जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको सारी की सारी प्रोवाइड कराएंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ एकदम जो है खाली की खाली ही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो स्टूडेंट जा चुके हैं मुखर्जी नगर की, अगर हम कहें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रौनक होती है वो होती है स्टूडेंट से, लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट हैं ही नहीं, जा चुके हैं। तो बिल्कुल ऐसा खाली नज़र आ रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई है ही नहीं। आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहा है, जैसे कोई यहाँ पे है ही नहीं। और आपको कोचिंग के जो बोर्ड हैं, होर्डिंग बोर्ड, वो आपको जगह जगह लगे हुए मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं दो भाई आ रहे हैं हमारे। हेलो भाई हाँ जी, क्या नाम है आपका? निर्मल। आप यहाँ क्या करने आए हैं लॉकडाउन में? भाई इधर कॉपी किताब लेने आया हूँ। किस चीज़ की तैयारी करते हो, तेज़ बोलो थोड़ा। मैं लौकी करते हो। तो आपको यहाँ पे ये बच्चे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, क्या हो गया लॉकडाउन में, कहाँ गए? चले गए सब? क्या वो ओके आगे देख सकते हैं, अभी बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है ये एरिया। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो आप अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, या फिर आप आने की सोच रहे हैं, या फिर आप यहाँ पहले रहते थे और अब ऐसा यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप पूरा मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दिया है। ये इधर आपको जो खाने पीने का सामान है आपका वो मिल जाता है, सब्ज़ियाँ फ्रूट वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद आप चारों तरफ देख रहे हैं तो एकदम सन्नाटा नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जा चुके हैं यहाँ से। स्टूडेंट से ही यहाँ पे रौनक होती है मुखर्जी नगर में ज़्यादातर जो होती है। यहाँ पे अगर आप मुखर्जी नगर में ये देख रहे हो ना, आप ये जो लीड वगैरह हैं, फ़ोन कवर हैं, ये भी आपको मिल जाते हैं। पहले यहाँ पे बहुत सारी दुकान होती थी, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से बस यहाँ पे बहुत कम दुकान बची हैं, एक दो ही दुकान बची हैं। ठीक है, आपको ये भी यहाँ पे मिल जाते हैं, अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं रहते हैं तो उसके लिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, देख सकते हैं अब बिल्कुल जो है खाली खाली हो चुका है स्टूडेंट के जाने से बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं पूरा कोचिंग का हब है और पूरा कोचिंग एरिया ही जाना जाता है इसको, पूरा कोचिंग का हब है और इसे कोचिंग के एरिया के नाम से जानते हैं। लगभग यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा जो है कोचिंग हैं मुखर्जी नगर में। यहाँ पे 4-5 गली हैं और 4-5 गली में भी कोचिंग ही कोचिंग हैं, आपको मिल जाएंगे, और 4-5 की 4-5 गली में कोचिंग के कोचिंग ही हैं।